लूप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ये फ्लो चार्ट्स में लूप्स का, तो एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। तो लूप्स में क्या है हमारे पास कि जैसे कि ये है डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर्स को, 10 इवन नंबर को। तो कैसे किया है इन्होंने, स्टार्ट न्यूमेरिक में वेरिएबल लिए एन नंबर एन प्रोडक्ट एन इवन, इन्होंने एंट्री दी है एन नंबर को 2 एन इवन 0 एन प्रोडक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो ये फ्लो चलता है, एन प्रोडक्ट में क्या वैल्यू जाएगी जो कि एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट होगी, फिर एन नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2 किया है, ठीक है। नंबर क्या है, 2 है, 2 प्लस 2 4 हो गया, यहाँ पे क्या गया 2 प्लस 1 एन प्रोडक्ट में 2 चला गया है, ठीक है। 2 यहाँ पे 4 और एन इवन में 0 था तो 1 हुआ तो 1 हो गया। फिर अब ये चेक करेगा क्या एन इवन ये 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा है, अगर है तो फिर से जाएगा, फिर क्या करेगा एन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा एन नंबर एन प्रोडक्ट से। तो एन नंबर की वैल्यू चेंज हो गई थी, 4 हो गई थी, एन प्रोडक्ट हमारे पास 2 आया था, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एन प्रोडक्ट में चला गया। एन नंबर इसी तरह क्या बना, 4 था, 4 दो 6 हो गया। तो इसी तरह इवन नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ये काउंट करता जा रहा है, ये काउंटर है हमारा एन इवन कि कितनी हो गया, और काउंटर को हम चेक करा रहे हैं क्या 10 हो गए। जैसे ही होंगे तो एन प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, इसको बेसिकली लूप के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ एक्सेल में करके दिखाऊं तो इसमें जैसे एन प्रोडक्ट एन नंबर और एन इवन, ठीक है, एन प्रोडक्ट में क्या थी वैल्यू, प्रोडक्ट में क्या है 1 है, नंबर है 2, इवन था 0। अब क्या सबसे पहले एन प्रोडक्ट में क्या क्या काम किया है, एन नंबर प्लस मल्टीप्लाई एन प्रोडक्ट, एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट, ठीक है, ये आया। एन नंबर में क्या किया है, पुराने वाले में 2 जोड़ दिया है, ठीक है, और इसमें 1 प्लस किया है, ठीक है। तो इसी तरह जब तक ये 10 से छोटा है तब तक इसकी वैल्यू चेक कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही ये वैल्यू आई ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम करेंगे प्रोग्रामिंग में, सब एंड ये इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके अंदर हमने पहले वेरिएबल देने हैं जैसा कि फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, एन न्यूमेरिक में एन नंबर एन प्रोडक्ट एनी वन, तो डिम एन नंबर एज इंटीजर, एज इंटीजर नहीं करते क्योंकि 65,000 से ज़्यादा वैल्यू जानी है, लॉन्ग ये इंटीजर हो सकता है क्योंकि नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एज इंटीजर, और फिर एन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा जाएगी, एज लॉन्ग, और एन इवन एज इंटीजर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आगे, इनको वैल्यू असाइन करनी है, एन नंबर में 2, एन इवन में 0, एन प्रोडक्ट में 1, तो एन नंबर इक्वल टू 1, 1 है 2 है,
एन इवन इक्वल टू ज़ीरो है और एन प्रोडक्ट इक्वल टू वन है, ठीक है, ये असाइन हो गई। उसके बाद ये जो फ्लो बना हुआ है, जो लूप का फ्लो बना हुआ है ऐसे करके इधर से आ रहा है, इसको कैसे करेंगे? हमारे पास होता है एक डू लूप, ठीक है, डू लूप के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो रिपीट होगा। तो पहले वो लिख लेते हैं जो रिपीट हो रहा है, n प्रोडक्ट इक्वल टू n नंबर मल्टीप्लाइड बाय n प्रोडक्ट, n प्रोडक्ट इक्वल टू n नंबर मल्टीप्लाइड बाय n प्रोडक्ट, ठीक है, फिर n नंबर इक्वल टू n नंबर प्लस टू और n इवन इक्वल टू n इवन प्लस वन, ठीक है, ये चल रही है इसके अंदर। अब ये कंडीशन कैसे दी जाएगी, इज n इवन लेस देन 10, तो यहाँ पे दिया जाएगा लूप के साथ में ही कंडीशन दी जाती है n इवन लेस देन 10, ठीक, हाँ, लूप वाइल वाइल के साथ लगाया जाता है, ठीक है, वाइल और अनटिल दो की वर्ड चलते हैं इसमें। तो वाइल मतलब कि जब तक ये छोटा है तब तक ये रिपीट मारता रहेगा, वापस डू पे चला जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन ये हमारी फॉल्स होगी ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आने पे क्या लिखना है, डिस्प्ले एन प्रोडक्ट, तो मैसेज बॉक्स एन प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद स्टॉप है, ठीक है। तो ये लूप है आपका, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी डिबग आ रहा है, ओवरफ्लो मार रहा है, कैसे 20 एन प्रोडक्ट 20 कहाँ से आया, 20 एन नंबर 20 चला गया, अच्छा ये लूप रुका ही नहीं, अनटिल करके देखता हूँ क्योंकि कंडीशन सही से बैठी नहीं है ना, एक बार और करते हैं, एन इवन ही प्लस वन हो रहा है ना, हो रुक जा रहा है, तो इवन 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 वाइल में देखते हैं, वाइल में एक एक करके चलाते हैं तब पता पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ नंबर टू और यहाँ एन प्रोडक्ट टू था, एन प्रोडक्ट टू आ गया, नंबर क्या है चार आ गया, ये वन आ गया, अब ये ट्रू, अच्छा F8, एक बार और बढ़ते हैं, ऊपर चला गया, ठीक है, एन इवन वन से टू हो गया, अभी भी ट्रू आ रहा है, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, 6 7 8 9 9 में ओवरफ्लो हो रहा है, नंबर जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा लॉन्ग नहीं संभाल पा रहा है इसको, लॉन्ग के लिए मैक्सिमम लिमिट थी, तो इसको मुझे एक बड़ा वाला वेरिएबल देना पड़ेगा, ओवरफ्लो का मतलब वो झेल नहीं पा रहा है, तो ये लॉन्ग की जगह मुझे इससे भी बड़ा है डबल, ठीक है। अब रन करते हैं, ये आ गया आंसर, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग की एक लिमिट थी कि वो भी नंबर नहीं झेल पा रहा था, इंटीजर की लिमिट है कि वो 65,000 से ज़्यादा नहीं झेल कर सकता, तो यहाँ हमें डबल चाहिए था जो हमारे को रिजल्ट दे पाया, ठीक है, ये समझ आया कैसे चला, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये वापस जाता जाएगा,
एक लूप बना देता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अब ये कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि यूजर कुछ नंबर देता जा रहा है और उसको पता लगाना है कि कितने ऑड दिए हैं उसने नंबर और कितने इवन दिए हैं। तो यहाँ से हमने लिया है एन नंबर, एन ऑड, एन इवन और एन काउंटर, ठीक है, क्योंकि लिमिट सेट करेंगे कि कितनी बार वैल्यू देगा वो। फिर इसने वैल्यू दे दी काउंटर को 1, एन ऑड को 0, एन इवन को 0। काउंटर यही होता है जो लास्ट में चेक होता है आपसे कि कितनी वैल्यू देनी है, जो कंडीशन के लिए यूज़ होता है ना लूप में, वो काउंटर ही को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काउंटर को बढ़ाते रहते हैं कि कितनी बार चल गया, इससे डिसाइड होता है कि लूप चलेगा कितनी बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नंबर एक्सेप्ट कराया, नंबर को चेक किया कि क्या वो मॉड्यूलो बाय 2 है। मॉड्यूलो 2 का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलो मोड निकालते हैं ना, मोड मतलब आपका रिमाइंडर क्या बचता है। कोई भी नंबर दिया, अगर 2 से मैंने भाग कर दिया, भाग करके शेषफल अगर 0 आया तो वो इवन नंबर है, और 0 नहीं है तो ऑड नंबर है। तो इसके साइन को ऐसे परसेंटेज के साइन की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि एक्सेल में ये साइन नहीं चलता है। तो यहाँ पे मोड का कीवर्ड है, तो सेम यही वाला बनाते हैं और हम 10 तक लेंगे, 50 तक है ना, 10 नंबर इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने करा न्यूमेरिक डिम, क्या क्या है, नंबर ऑड इवन काउंटर, एन नंबर एज इंटीजर, एन ऑड एज इंटीजर, एन इवन एज इंटीजर, एन काउंटर एज इंटीजर, ये सब हमारी लिमिटेड वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या दी है इसने, काउंटर को 1 दिए, ऑड इवन को 0 दिया है, एन काउंटर को 1 दिए, एन ऑड 0, एन इवन 0। हाँ वो वेरिएबल लिखते हैं, ठीक। हाँ पुरानी वाली में देखोगे आप रिकॉर्डिंग में ना, तो ये चीज़ दी हुई है उसमें, क्लियर है, ठीक है, दोनों इकट्ठे देखोगे तो समझ आए, ठीक है। तो ये वेरिएबल हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसने लूप बनाया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे तक। तो ये लूप हम डू और लूप से बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देंगे एक्सेप्ट नंबर, तो ये कौन सा नंबर, एन नंबर जो है हमारा, हम इससे इनपुट बॉक्स से ले लेते हैं, एंटर नंबर, ठीक है, नंबर ले लिया। फिर इज, यह इज एन नंबर मॉड बाय 2 इक्वल टू 0, तो ये इफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इफ एन नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 देन एंड इफ, मोड लिख देते हैं, MOD खाली लिख देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड देते हैं ना, ऐसे MOD करके लिख देते हैं, तो ये कर देता है। मोड 2 0 है, यस है, तो क्या देना है, एन इवन प्लस 1, तो इसमें करना है एन इवन इक्वल टू एन इवन प्लस 1, ठीक है। एल्स केस में क्या करना है, एन ऑड इक्वल टू एन ऑड प्लस 1, ठीक है। इफ की कंडीशन ख़त्म हो गई, बाहर आ गए। एन काउंटर, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, काउंटर हिसाब रखेगा कि कितने आए, तो एन काउंटर इक्वल टू एन काउंटर प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने
जो कंडीशन दी है जिस पे लूप चल रहा है कि काउंटर शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 है, हम 10 दे देते हैं, एंड वाइल एंड काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये कर दिया, इसमें घूम गया। और उसके बाद अगर नहीं है तो मतलब लूप से जब बाहर आता है तो मैसेज बॉक्स देना, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हेलो क्या आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, तो अब इसमें मुझे मैसेज दिखाना है, मैसेज बॉक्स को थोड़ा सा मैं अमेंड कर देता हूँ, ऑड नंबर्स आर कंकैटिनेट की कर लिया मैंने एन ऑड को, एन ऑड में जो होगा वो दिखाएगा, फिर कंकैटिनेट किया मैंने एंड और इवन नंबर आर कंकैटिनेट किया मैंने एन इवन को, ठीक है, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चलाता हूँ, नंबर देने, दस बार ये नंबर लेगा, तो चार ऑड नंबर डाले मैंने एंड इवन नंबर एक डाला, पर ये गलत है, गलत है, क्योंकि मैं तो 10 बार चला रहा हूँ ना, और 10 डाले मैंने, तो एन ऑड एन इवन, अच्छा एन इवन में ये गलत ले गया, ये नंबर, ये वेरिएबल गलत पड़ा है, इसीलिए गड़बड़ दिखा रहा था, एन इवन, ठीक है, क्योंकि जरा भी गलती होगी तो गड़बड़ दे देगा। ठीक है, चार ऑड नंबर इवन नंबर 6, ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलेगा आपका। हाँ हाँ क्या चीज़? जितने भी वेरिएबल करने हैं देखो टाइप, यहाँ से चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये तो मर्जी है, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे अलग अलग करके लिख दो, चाहे मैं इसको ऐसे कर देता, हाँ चाहे मैं इसको ऐसे कर देता, डिम इस तरीके से कर देता, अलग अलग कर करके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं सबके लिए, इंटीजर स्ट्रिंग जो भी है सबके लिए हम वही देते हैं, ठीक है। एक बड़कल चौक से लेफ्ट ले लो, कौन से मथुरा रोड पे हो कि बड़कल झील पे हो? अच्छा बड़कल झील वाले चौक पे हो ना, हाँ तो लेफ्ट ले लो, लेफ्ट में कचौड़ी वाले की दुकान है ना, राइट साइड में 2-3 दुकान है ना, तो उधर ही लेफ्ट साइड में चलते चले आओ, लेफ्ट ही साइड को पड़ेगा, पेट्रोल पंप से आगे, भारत गैस की एजेंसी से भी आगे एक जिम पड़ेगा, बर्न एंड ब्लास्ट, ठीक है, जिम पड़ेगा बर्न एंड ब्लास्ट, है ना, ऊपर की साइड में देखोगे गली नंबर 1, गली के कोने पे ही है 2 जिम है, एक तो भेड़िए की तस्वीर होगी वो आगे है, पहले वाला जिम में होगा बर्न एंड ब्लास्ट, उस गली में आ जाना, मुस्कान टेलर पड़ेगा, मुस्कान टेलर,
उससे राइट हो जाना, दिख जाएगा, ठीक है। बोर्ड लगा है ब्लॉक का, बोर्ड लगा हुआ है जी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया ये वाला, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है डू। अच्छा देखो, डू डू और लूप के बीच में जो भी लिखते हैं वो रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि इस फ्लो चार्ट में देख रहे हो आप, ये फ्लो चार्ट है, इसमें क्या ये लाइन आ रही है ना, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये, तो ये स्टार्टिंग में यहाँ डू लग जाएगा, यहाँ लूप लग जाएगा विद वाइल, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट नंबर के लिए इनपुट बॉक्स था, ये इफ़ की कंडीशन है यस नो की, ठीक है, और ये इफ़ की कंडीशन से बाहर है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इनपुट इफ़ की कंडीशन और ये इफ़ की कंडीशन से बाहर है। लूप वाली जो कंडीशन है वो वाइल के साथ यहाँ आ गई, ये पैटर्न है। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ जैसे इसको भी इधर कर देता हूँ, ये अब ज़्यादा समझ आएगा, दोनों को मैच करोगे तो, ठीक है ना। डू से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्ट नंबर, ये हो गया। इफ एल्स वाला यस के केस में ये है, नो के केस में ये है, ये दोनों, ठीक है। ये इफ़ से बाहर है तो ये बाहर है, बाकी लूप की जो वाइल वाली कंडीशन है वो आपकी ये रही, ठीक है ना। एनकाउंटर क्या कर रहा है कि देखो, चाहे इफ चलेगा चाहे एल्स चलेगा, ठीक है, ये काउंट करेगा कि कितनी बार चल चुका है लूप, जिसको हम, जैसे मैंने कहा कि 10 वैल्यू आएंगी तो 10 बार इनपुट नंबर चलेगा, है ना। अगर मैं ये 20 करूँ तो 20 बार दिखाएगा। तो ये बेसिकली ये मैकेनिज्म कंट्रोल करता है लूप को कि कितनी बार चलेगा, ठीक है। हाँ देखो, इफ के केस में इवन आएगा तो इवन होगा, ऑड आएगा तो ऑड होगा, काउंटर चाहे इवन आए चाहे ऑड आए दोनों में प्लस होगा, वो वैल्यू गिनेगा 10 वैल्यू बस। यहाँ यूज किया है ना, उसका मतलब नहीं है, उसका खाली लूप को कंट्रोल करने के कि ये कितनी बार रन करेगा, कितनी बार गोल घूमेगा, क्योंकि जितनी बार यहाँ ट्रू आएगा उतनी बार ये कोड चलेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जितनी बार ट्रू आएगा ये उतनी बार इस कोड को रिपीट करेगा। लूप क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो जंप कर देगा डू पे, ठीक है। उसको नहीं दिखाना कुछ भी, एनकाउंटर सिर्फ वाइल के लिए है। वो एनकाउंटर मैंने मैसेज बॉक्स में यूज भी नहीं किया है, वो बस 10 वैल्यू गिन के चला रहा है। अगर यहाँ 20 कर दूंगा तो 20 वैल्यू 20 बार चलाएगा ये, तो ये कितनी बार चलाना है वो एनकाउंटर हमारा डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन सा कोड है। हाँ आगे का कोड है, डिस्प्ले द हाईएस्ट ऑफ 10 नंबर्स। पहले हमने 3 नंबर का किया था ना हाईएस्ट, अब यहाँ 10 नंबर है, 10 में से हाईएस्ट दिखाना है। अब ये देखो, ये भी लूप के थ्रू ही मैकेनिज्म बना हुआ है, इसमें लिया नंबर एन लार्जेस्ट एन काउंटर, काउंटर बस चलाता रहता है उसको, 10 है तो 10 के बराबर ही चलाएगा उसे। ये देखो काउंटर प्लस 1 हर जगह वैसे ही चलेगा ये, ठीक है। तो नंबर लार्जेस्ट एन काउंटर, काउंटर में 0 डाला एन लार्जेस्ट 0 डाला, नंबर एक्सेप्ट किया। अब ये कर रहा है कि इस एन नंबर, जो नंबर यूजर ने दिया है वो एन लार्जेस्ट से बड़ा है, शुरुआत में 0 है, अगर बड़ा है तो एन लार्जेस्ट में वो नंबर स्टोर कर देगा, ठीक है। नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, एन लार्जेस्ट को नहीं छेड़ेगा, काउंटर प्लस 1 हो जाएगा। फिर काउंटर अगर 10 से छोटा है तो फिर वापस आया, नंबर एक्सेप्ट किया, फिर देखेगा एन लार्जेस्ट में कौन सा नंबर है, जो नंबर है, तो इस तरह से इसमें बड़ा ही रह जाएगा चलते चलते चलते
क्योंकि अगर इससे बड़ा एन नंबर एन लार्जेस्ट से छोटा आता है तो कुछ भी नहीं करता है, तो एन लार्जेस्ट में जो लास्ट में बचेगा वो बड़ा ही नंबर होगा। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होगा। सब लार्ज तो डिम एन नंबर एन लार्ज एन नंबर एज इंटीजर एन लार्ज एज इंटीजर और एन काउंटर एज इंटीजर। ठीक है, इसके बाद इसने क्या दिया है, काउंटर और लार्जेस्ट को ज़ीरो दिया है, एन काउंटर इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो और एन लार्ज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद क्या किया है इसने, फिर से लूप चलाया, तो डू और लूप ये स्टेटमेंट आती है। अब डू के अंदर एक्सेप्ट नंबर करना है, एन नंबर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर। अभी जो भी काम हम इनपुट बॉक्स से कर रहे हैं ये बाद में हम सेल से भी करेंगे, वर्कबुक्स पे भी करेंगे, शीट से भी करेंगे, पर अभी सिंपल इनपुट आउटपुट में आपको कोड समझाने की कोशिश है कि कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और चलते कैसे हैं, जैसे इफ एल्स कैसे चल रहा है और लूप कैसे चल रहा है, मेजर आइटम यही है इसके। ठीक है, उसके बाद एम नंबर एक्सेप्ट किया, इज एन नंबर ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट, तो इफ का फॉर्मूला इफ एन नंबर ग्रेटर देन एन लार्ज। ठीक है, देन एंड इफ, इसमें कोई नो के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यस के लिए आ रहा है खाली, एन लार्ज इक्वल टू एन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करना है, काउंटर चल रहा है नॉर्मल, एन काउंटर इक्वल टू एन काउंटर प्लस वन। ठीक है, अब लूप की कंडीशन देनी है कि एन काउंटर लेस देन 10, सो इसमें डाल देंगे वाइल एन काउंटर लेस देन 10। ठीक है, चल गया, और मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले करना है, एनलार्ज एमएसजी बॉक्स एन लार्ज। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो ये नंबर डालते जाएंगे, ठीक है, तो 52 इसमें सबसे बड़ा नंबर डाला था। ठीक है, ये वाला समझ आया कोड, ठीक है सुमित। अभी तो सिंगल लूप चल रहा है, आगे लूप के अंदर लूप चलेंगे, हाँ, उसके बाद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लूप समझ आ गया। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा एक, मतलब एक ही प्रोसीजर में, एक ही मैक्रो में सब चीज़ नहीं बनाता, वो क्या करता है, मल्टीपल बनाएगा और उसको एक में बिल्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में इन्होंने क्या किया है, एन चॉइस यूजर से एंटर कराई है, न्यूमेरिक एन चॉइस लिया, अगर वन डालेगा तो मल्टीप्लाई करना है, टू डालेगा तो डिवाइड करना है उसने। ठीक है, तो अगर उसने मतलब एन चॉइस में वन डाला तो ये चेक कर रहा है वन है, यस, तो मल्टीप्लाई वाले सेक्शन में जाना है, और नहीं तो टू डाला है तो डिवाइड वाले सेक्शन में जाना है, और टू भी नहीं डाला है तो स्टॉप कर देना है प्रोग्राम। तो मल्टीप्लाई का सेक्शन हमारा आगे खुला है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसने यहाँ बना रखे हैं कि मल्टीप्लाई वहाँ से इधर आएगा और ये करेगा, तीन वेरिएबल डिसाइड करेगा, 1, 2, 3 और प्रोडक्ट, तीन नंबर लेगा, प्रोडक्ट निकाल देगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देगा और डिस्प्ले कर देगा प्रोडक्ट रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न ये वापस यहीं कर जाएगा आपका।
ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ रिटर्न करता है तो इसके बाद फ्लो क्या बनता है, यहाँ से गया और ये एंड हो गया। इसी तरह डिवाइड का हुआ है, हाँ डिवाइड में क्या किया, डिवाइड में आएगा दो नंबर लेगा, दो नंबर एक्सेप्ट कराएगा और इज नम टू इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोई ज़ीरो है तो वो बता देगा कि डिस्प्ले डिनोमिनेटर के नॉट भी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता, वापस आएगा नंबर एंटर करवाएगा और ज़ीरो नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देगा। हेलो, गली नंबर एक में आगे मुस्कान टेलर होगा, मुस्कान टेलर, उससे राइट ले लेना, उससे राइट ले लेना, बुलेट खड़ी होगी। हाँ ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में खाली नाम देना होता है, बहुत ही सिंपल बना के दिखाता हूँ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड है तो सब एमडी कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है। यूजर से चॉइस एंटर करवानी है इसने, डिम एन चॉइस एज इंटीजर, इसको इनपुट बॉक्स में एन चॉइस करा देता हूँ, इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और उससे कहता हूँ यूजर से कि एंटर वन फॉर मल्टीप्लाई और टू फॉर डिवाइड, ठीक है। तो यूजर डालेगा वन और टू, अब सीधा सीधा इफ़ की कंडीशन आएगी, इफ़ एन चॉइस इक्वल टू वन देन बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो वन में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है एम यू एल टी के नाम से, मैं प्रोसीजर बनाऊंगा आगे, ठीक है। और एल्स इफ, ठीक है, एन चॉइस इक्वल टू टू देन डिवाइड, डिव करके कर दिया। तो इसी प्रोसीजर को अब मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो हम इस प्रोसीजर को आगे एक्सटेंड करेंगे, मैं मल्टीप्लाई का बना दूंगा। क्या थे, तीन नंबर थे, मल्टीप्लाई करना था यूजर से डलवा के। तो डिम एक्स एज इंटीजर, वाई एज इंटीजर और जेड एज इंटीजर, ठीक है।
एक्स को मैं ले लेता हूँ इनपुट बॉक्स से, इसमें डाल देता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, तीन नंबर डालेंगे। उसके बाद मैसेज बॉक्स में चाहे तो मैं डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन भी चल जाती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का बन गया, इसी तरह डिवाइड का बना देते हैं। यहाँ से दो नंबर हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना होता है, हमें छोटे छोटे मॉड्यूल बनाने होते हैं ऐसे, और फिर किसी भी मैक्रो में जब उसका नाम देते हैं तो वहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं चलाऊं F8 को, ये देखो चॉइस मांगेगा पहले कि वन फॉर मल्टीप्लाई टू फॉर डिवाइड, अगर वन दबाया मैंने ओके किया तो ये मल्टीप्लाई से इस पे आ गया, और फिर यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, डिस्प्ले किया और फिर ये वापस लौट गया, ठीक है, एंड सब। इसी तरह से डिवाइड में भी जाएगा, ठीक है, क्लियर है सुमित? मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप एक दूसरा मैक्रो बनाते हो और उसका नाम दे देते हो तो ये मैक्रो इस जगह कॉल हो जाएगा, ये पता है क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से फिर ये कोड चलाएगा और इसके एंड सब के बाद ये वापस इसी पे आएगा, डिव के अगले वाले कोड पे, जहाँ इसका नाम लिखा होगा उसके अगले कोड पे आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से चलता है, और बाकी देखें PLT में हमारे और क्या है। उसके बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये आपको खुद करनी है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी और, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए ये कर लेंगे। तो कल से हम ये, आज प्रैक्टिस करो ढंग से बैठ के, कल से फिर हम आगे अपना VBA कोड एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये PLT फाइल तो है ही आपके पास, है ना, तो ये फाइल बेशक मैं आपको मेल कर देता हूँ, जिसमें आपको कोड देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। है? ऐड क्या चीज, ये आपकी आईडी है, ऐड सेंस, PLT 2, ठीक है। तो ये फाइल मिल जाएगी, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है।